नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे भोजपुरी टॉप 5 खबर में। जी हाँ, भोजपुरी टॉप 5 खबरों में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम ऐसी खबरें जो कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों से जुड़ी हुई होती हैं, उनके आपके जो सुपरस्टार्स होते हैं उन फिल्मों की कहानियों से जुड़ी हुई होती है। क्या है उनका फिल्म की कहानी, क्या कौन सी जगह पर कर रहे हैं वो शूट, और सोशल मीडिया पर क्या है उनकी एक्टिविटीज़, ये सारी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं हम अपने टॉप 5 खबरों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी टॉप 5 खबर में, वो बात होगी हमारे भोजपुरिया राजा पवन सिंह को लेकर के। भोजपुरी राजा पवन सिंह को साल 2017 में उनके नाम एक रिकॉर्ड बना था, वो है 10 करोड़ व्यूज एक गाने पर, जो कि भोजपुरी में कभी भी किसी गाने को नहीं मिला था। लेकिन पवन सिंह ने अपने नाम ये रिकॉर्ड किया और उसके बाद साल 2018 भी पवन सिंह के नाम ही रहा। जी हाँ, पवन सिंह ने जो रिकॉर्ड साल 2017 में बनाया था 10 करोड़ व्यूज़ का, आज वो इस साल 2018 में भी पवन सिंह ने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ा। जी हाँ, पवन सिंह की कौन सी फिल्म का गाना 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है ये आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म को लेकर के जो कि इन दिनों विवादों में घिर गई है। जी हाँ, पद्मावत फिल्म को लेकर के आप जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन ठीक इसी तरह से भोजपुरी फिल्म पाकिस्तान में जय श्री राम को लेकर के बिहार और झारखंड में चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं पर इस फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ा गया है, क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कहना है इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता का, देखिएगा हमारे इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही साथ हमारी जो तीसरी खबर होगी वो है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर के। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की बहुचर्चित फिल्म सौगंध की का चौथा पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर के जरिए एक चीज और भी सामने आ गई है, जो है इस फिल्म में हीरोइन का नाम। जी हाँ, पोस्टर में क्या है स्पेशल आपको हमारे इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमारी जो चौथी खबर होगी वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खबर है। आप लोगों को पता ही होगा बॉलीवुड में जिस तरह से शाहरुख खान और सलमान खान की जंग वाली दोस्ती चलती थी, ठीक उसी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में भी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की जबरदस्त वाली लड़ाई चलती थी, कह सकते हैं जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन अब ये दुश्मनी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज सोशल मीडिया पे काजल राघवानी ने एक बहुत ही दिलचस्प फोटो शेयर की जो कि पवन और खेसारी लाल की थी। कौन सी है वो फोटो आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पवन एक फिल्म को लेकर के। भोजपुरी इंडस्ट्री को पहले अश्लीलता के नाम से देखा जाता था, अश्लीलता के नाम से इसे जोड़ दिया जाता है हर फिल्म हर गाने को, लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक आरोप और भी लगाया जा रहा है। जी हाँ, आरोप ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पोस्टर्स बनते हैं, जो फिल्में बनती हैं, जो उनके नाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों से कॉपी करके किया जाता है। इस पे निरहुआ और खेसारी की फिल्म को लेकर के भी कई बार ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इसके बीच खेसारी की फिल्म सिपाही को लेकर के भी कहा जा रहा था। क्या है, कौन कौन सी है फिल्में जिन पे कॉपी का आरोप लगा है, और इसमें क्यों खेसारी और निरहुआ को ही लपेटा जा रहा है, आपको हमारी रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो देखिए हमारी ये टॉप 5 खबरें। भोजपुरी राजा पवन सिंह के साल 2017 में सत्या फिल्म के एगो आइटम सॉन्ग जे गाना के बोल रहल राते दिया बुता के पिया, उस साल में भोजपुरी के सबसे बड़े इतिहास रच दिल रहे। लेकिन जी हां, पवन सिंह के साथ आम्रपाली के एक गाना 10 करोड़ के व्यूज के पार कर दिले रहले सोशल मीडिया पे, और भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो ऐसा रिकॉर्ड बना दिले रहले जे पहले भोजपुरी के कोनो गाना ऐसा रिकॉर्ड ना बना पवलसा। लेकिन आज पवन सिंह अपने गाना के रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिले बानी। जी हाँ, पवन सिंह के फिल्म भोजपुरिया राजा के सबसे हिट गाना जे गाना के बोल हा छलकता हमरो जवनिया ए राजा,
और पवन सिंह आज के गाना के सोशल मीडिया पे 10 करोड़ के आंकड़ा पार कर देले बा। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पे रत्नाकर ए बात के जानकारी देले बाड़े। अब वैसे ए गाना के रिकॉर्ड बने के बाद ए बात तब पक्का हो गयी कि पवन सिंह के बनावल रिकॉर्ड कोनो और नहीं तोड़ सकता, बल्कि उनका बनावल रिकॉर्ड सिर्फ खुद पवन सिंह ही तोड़ सके नहीं। खैर, अब देखे वाला बात ए हुई कि पवन सिंह के ए साल अपन कौन कौन फिल्म और गाना से कौन नया रिकॉर्ड बनाई। बिहार के क्षत्रिय समाज एक ओर संजय लीला भंसाली के विवादित फिल्म पद्मावत के विरोध करत पोस्टर और होर्डिंग के तहस नहस करत रहे, तो दूसर ओर अब एगो भोजपुरी फिल्म भी विवाद खड़ा करत दिखाई देता। जी हां, ताजा मामला में बिग बॉस के सेट पर मशहूर अभिनेत्री मोनालिसा से ब्याह करे वाला विक्रांत सिंह राजपूत अब मोनालिसा के मुख्य भूमिका वाला भोजपुरी फिल्म पाकिस्तान में जय श्री राम के पोस्टर पर बवाल हो गई बा। मुंबई गुजरात में सुपरहिट साबित भइल ए फिल्म के अब बिहार में रिलीज करे के तैयारी बा। फिल्म गणतंत्रता दिवस पर यानी कि 26 जनवरी के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रिलीज हुई। तीन तलाक और लव जिहाद जैसन विषय के एक संगे जोड़त ए फिल्म से बिहार में कुछ लोग नाराज बाड़े। ए बारे में फिल्म के निर्माता भूपेंद्र विजय सिंह कहले कि कोनो मुद्दा पर सब केहू सहमत होके चाहे असहमत होके के अधिकार बा, लेकिन बिना फिल्म देखले फिल्म के पोस्टर और होर्डिंग के तहस नहस कैला शर्मनाक बा और ये प्रकार के कारनामा कानूनी और निजी आजादी के साबित नहीं करत। जी हाँ, वो कहनी कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग पोस्टर फाड़ ले बाड़े, लेकिन ऐसन करे वाला लोग काहे ऐसन काम करत अरे ये बतावे खातिर अभी तक सोझा नहीं आयल बा। हालांकि जौना हिस्सा में पोस्टर फाड़ल गयल बा वहाँ चिंता के विषय है। जी हाँ, भूपेंद्र कहनी की फिल्म के एगो सीन में पाकिस्तान में भारत के झंडा दिखा के हमनी के गर्व होके के चाही, लेकिन पता ना केकरा के फिल्म से परेशानी बा। दो मार्च को होली के अवसर पर रिलीज हो रही युवा निर्माता विकास कुमार की सौगंध ने अपने पोस्टर का चौथा लुक रिलीज कर दिया है। जी हाँ, बसंत पंचमी के अवसर पर पूर्वांचल टॉकीज के इस चौथी फिल्म का चौथा पोस्टर सोशल मीडिया पे जारी कर दिया गया है। पहले तीन पोस्टर की तरह यह पोस्टर भी नवीनता लिए गए हैं। जी हाँ, ये पोस्टर को दो भाग में बांटा हुआ है। एक तरफ जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और खलनायक अमित शुक्ला को आमने सामने दिखाया गया है, जबकि पोस्टर के दूसरी ओर हुआ और मनी भट्टाचार्य को दर्शाया गया है। इस पोस्टर में मनी भट्टाचार्य की फिल्म नाम उजागर हो गया है। जी हाँ, पोस्टर जारी करते ही सोशल मीडिया पे पोस्टर के लुक की जबरदस्त तारीफ शुरू हो गई है। पहले पोस्टर में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का रौद्र रूप दर्शकों के सामने आया था, तो वहीं दूसरे पोस्टर में वो लवर बॉय की भूमिका में दिख रहे थे। कन्हैया बन अपनी राधा मणि भट्टाचार्य के साथ नजर आ रहे थे, तो वहीं तीसरी पोस्टर कुछ अलग कहानी बयां कर रही थी। उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल टॉकीज के बैनर तले निर्माता विकास कुमार और निर्देशक विशाल वर्मा की यह फिल्म में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ मणि भट्टाचार्य कनक पांडे मुख्य भूमिका में है। भोजपुरी राजा पवन सिंह के साथ खेसारी की दुश्मनी तब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरह से फेमस हो गल रहे कि माना खेसारी और पवन फिर कबो एक साथ नहीं देख सके नी। लेकिन अब हमनी रउआ लोगन के ए ऐसन फोटो दिखावे जा रहल बानी जे फोटो देख रउआ लोगन भी हैरान हो जाएं। जी हाँ, आज काजल राघवानी अपन इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन और खेसारी के साथ के एगो फोटो शेयर कैले बाड़ी। एक साथ ही काजल लिखले बिया कि ए तरह से दोनों के एक साथ के फोटो देख हम बहुते ज्यादा खुश हो गेल बानी। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पे पवन और खेसारी लाल के फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा बा। जे फोटो में पवन और खेसारी एक दूसरा के किस करत दिखाई दे रहा बानी। जी हाँ, वैसे रउआ लोगन के बता दी कि खेसारी और पवन के बीच के दुश्मनी काफी समय पहले ही खत्म हो गए रहे, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं के देखल जात रहनी। लेकिन अब ये फोटो खेसारी और पवन के फोटो ये देख कर उनका फैनसन भी काफी ज्यादा खुश हो जाये। जी हाँ, भोजपुरी के दो सुपरस्टार एक हो गए बाड़े।
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ और आम्रपाली दुबे की फिल्म सिपाही नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। जी हाँ, फिल्म 23 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म के पोस्टर साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म अगाड़ू से हुबहू कॉपी किया गया था। जी हाँ, इसके अलावा भी कई ऐसी भोजपुरी फिल्में हैं जिनके पोस्टर कॉपी किए गए हैं। भोजपुरी के कई ऐसी फिल्मों के पोस्टर हैं जो साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की हुबहू नकल होती है। ताजा मामला भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की फिल्म सिपाही का है। फिल्म में निरहुआ ने पुलिस अफसर का कैरेक्टर प्ले किया है। खास बात तो यह है कि साउथ की फिल्म अगाड़ू में भी महेश बाबू ने पुलिस ऑफिसर का ही कैरेक्टर प्ले किया था। भोजपुरी में एक फिल्म है कसम पैदा करने वाले की, इस फिल्म का भी पोस्टर कॉपी किया गया था। इस फिल्म को पोस्टर साउथ की फिल्म डेंजरस खिलाड़ी 2 से कॉपी किया गया था। जी हाँ, फिल्म में आलू अर्जुन थे। इसके अलावा भोजपुरी में एक फिल्म है सौगंध, इस फिल्म के पोस्टर भी साउथ की फिल्म जय लव कुश से कॉपी किया गया थी। जी हाँ, कुछ भोजपुरी मेकर साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के पोस्टर से कॉपी करके अपनी फिल्मों के पोस्टर्स बनाते हैं, तो कई दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। भोजपुरी में एक फिल्म है नागराज, इस फिल्म के पोस्टर बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ के एक फोटोशूट से कॉपी किया गया है। इसके अलावा भोजपुरी मेकर्स पंजाबी फिल्मों के पोस्टर्स की भी नकल करते हैं। भोजपुरी की यह फिल्म एक रजाई तीन लुगाई का पोस्टर पंजाबी फिल्म अंबर रसिया की नकल थी। तो देखा आपने ये भोजपुरी की टॉप 5 खबरें जो कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, आपके भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं दर्शकों की। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबर है वो हम आप तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचा सके। इसके अलावा आपको अगर जो भोजपुरी फिल्मों के बारे में कोई जानना हो या आपके सुपरस्टार्स के बारे में कोई जानकारी लेनी हो जो हम नहीं बता पा रहे, तो आप इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री की जुड़ी हुई खबर थी। इसके अलावा अगर जो आप कुछ और भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातों को जानना चाहते हैं फिल्म्स के और अपने सुपरस्टार्स के अलावा, वो भी आप इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए जान सकते हैं। भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया। ये थी आज की टॉप 5 खबर। मैं आपके सामने कल फिर से हाजिर होंगी टॉप 5 भोजपुरी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।